हाय एवरीवन, आई एम जय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकारी नौकरी 2021 के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा इस बार कितनी सारी नियुक्तियां निकाली गई है और किस किस पद पर नियुक्तियां निकाली गई है, उनका वेतन क्या है और कौन कौन सी प्रोसेस के द्वारा आप इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे तथा साथ में यह भी बताएंगे कि किस किस पदों पर नियुक्तियाँ यहाँ पर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 माली की होगी नियुक्ति, जिसका वेतन यहाँ पर 25,720 निर्धारित किया गया है। वहीं संविदा पर जो है डाटा ऑपरेटर और कार्यालय सहायक की नियुक्तियाँ होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पर पूरी चर्चा करने वाले हैं और इसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस तरह की न्यूज से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन का भी बटन अवश्य दबा दें, ताकि हमारी जो भी इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 माली की होगी नियुक्ति, 25,720 होगा वेतन। आइए जानते हैं इस पर। भवन निर्माण विभाग के उद्यान प्रमंडल पटना में इस साल करीब 1000 माली की नियुक्ति होगी। इन्हें करीब 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इनकी तैनाती पटना के सभी पार्कों सहित सरकारी भवनों में होगी। 20 नवंबर 2019 में राज्य कैबिनेट ने 1000 माली की अस्थायी पद सृजित करने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद इस पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत फिलहाल उद्यान प्रमंडल पटना इसकी नियमावली बनाने में जुटा हुआ है। इस नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूर के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर बताया जा रहा है कि इस नियमावली को जब राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर सूत्रों का कहना है कि पार्क और सरकारी उद्यानों को देखरेख के लिए 1999 में 747 अस्थायी माली थे, जो 2010 तक इनमें से 249 पद शेष रह गए। मतलब 2010 तक इनमें से शेष 249 माली यहाँ पर काम कर रहे थे। 2020 में भी करीब 100 माली रिटायर हो गए। ऐसे में उद्यानों के संरक्षण और देखभाल के लिए सरकार ने उद्यान प्रमंडल पटना में माली के 1000 पद सृजित करने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार माली के पद पर नियुक्त होने वालों को हर महीने 25,720 रुपये वेतन मिलेगा। इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता, HRA, मेडिकल और TA शामिल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है माली के लिए यहाँ पर 1000 माली कि नियुक्ति होने वाली है, साथ में उनका वेतन भी 25,720 यहाँ पर उनको मिलने वाला है और इसे राज्य सरकार के कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। बहुत जल्द जो है यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह तो थी सरकारी यहाँ पर माली की नौकरी। अब बात करते हैं यहाँ पर डाटा ऑपरेटर व 38 कार्यालय सहायकों की होगी संविदा पर नियुक्ति। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 534 डाटा ऑपरेटर व 38 कार्यालय सहायकों की होगी संविदा पर नियुक्ति। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक समय से पहुँचे, इसको लेकर सभी प्रखंडों में एक एक हेल्प डेस्क और हर जिले में एक सामाजिक सुरक्षा कोषांग बनाने का निर्णय लिया गया है। जहाँ पर लोगों की शिकायतों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा, वहीं से उन शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित विभाग व DM को भेज दिया जाएगा, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसके लिए सरकार ने यहां पर 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर व 38 कार्यालय सहायकों की संविदा पर नियुक्ति होगी। प्रत्येक प्रखंड एक एक डाटा ऑपरेटर और सभी जिलों में एक कार्यालय सहायक की नियुक्तियां संविदा पर बेल्ट्रॉन के माध्यम से की जाएगी। यहां पर दोस्तों आप इसे प्रत्येक प्रखंड में एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और सभी जिलों में एक एक कार्यालय सहायक की नियुक्तियां संविदा पर बेल्ट्रॉन कंपनी के माध्यम से की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक डाटा एंट्री के लिए हर प्रखंड और जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में एक एक डाटा एंट्री
ऑपरेशन कार्यालय सहायक को मानदेय पर रखने का निर्णय लिया गया है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्ट्रॉन के माध्यम से यहाँ पर जो है नियुक्तियाँ करने वाली है, जहाँ पर 534 डाटा ऑपरेटर व 38 कार्यालय सहायकों की यहाँ पर संविदा पर नियुक्ति होने वाली है, जो कि बेल्ट्रॉन के द्वारा कराई जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप दो इन तीनों यहाँ पर नियुक्तियाँ को देख सकते हैं, जो कि बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है और आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप डैट इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अंत में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे हमारे चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी के साथ।